गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए फिफ्थ क्लास की वो हिंदी की, जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन का नाम है मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई क्यों बताई गई है? ताकि आज से ही आप अगर आलसी अपना छोड़ोगे तभी जाकर आप क्या करोगे, मेहनत कर पाओगे, मेहनत की कमाई खा पाओगे। किसी की माता पिता क्या होते हैं? अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे को खुश रखने के लिए उसकी सारी जिदें पूरी करते हैं। वो जितनी भी जिद करता है, जितनी भी मांगे करता है, उनकी पूर्ति कर देते हैं। तो वह बालक धीरे धीरे क्या होने लगता है, आलस्यपूर्ण होने लगता है। मतलब उसके अंदर आलस्य भर जाता है कि हमारे पास, मेरे माता पिता के पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं बैठे बैठे खा सकता हूँ, मुझे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आदत उसके अंदर आज से डल जाएगी। अगर बच्चा ही शुरू से ये कार्य करेगा तो वह बड़ा होकर क्या कर पाएगा, आलस्य ही करेगा। वह बड़ा होकर कभी कमाई नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, उसको पैसे की अहमियत नहीं हो पाएगी कि जब अपनी मेहनत से जो पैसे कमाए जाते हैं वो पैसे कितने कीमती होते हैं, कितने सही होते हैं। जब तक वह स्वयं मेहनत नहीं करेगा, स्वयं कमाई करके नहीं लाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तो क्या होगा, उस पैसे को अहमियत नहीं देगा। इसलिए इस लेसन में मेहनत की कमाई जो लेसन है, इसके अंदर आपके लिए यही संदेश दिया गया है कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए और मेहनत के पैसे ही यूज करने चाहिए। जब तक आप पैसों की अहमियत नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। इस लेसन में फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ मैंने शब्दार्थ लिखाए हैं, इन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनको याद भी कीजिएगा। देखिए हमारा लेसन। एक अमीर बाप ने अपनी आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। इसमें वही बात बताई गई है, एक अमीर पिता थे, वो क्या करते थे, पहले तो अपने बच्चे के लिए उसकी सारी जिदें पूरी की, सारी मांगे पूरी की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरा बेटा क्या हो रहा है, आलस्यपूर्ण हुआ जा रहा है, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा कभी कमाकर नहीं खा पाएगा, पूरी जिंदगी उसको परेशानी होगी, इसलिए उन्होंने एक सूझबूझ से अपने बेटे को कुछ संदेश देने के लिए सोचा। तो वो कहते हैं कि जा कुछ कमा कर ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, क्योंकि शुरू से ही क्या थे, उसकी जिद्दियाँ पूरी हो रही थी, तभी उन्होंने अपना कार्य स्वयं नहीं किया था। तो वह क्या करने लगा, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। जब उसके पिता ने कहा जा कुछ कमा कर ला, तो वह क्या था, आलस्यपूर्ण था, आलस्य भरा हुआ था, निर्लज था, उसे कुछ काम करने की आदत ही नहीं थी। तो वह क्या करता, सीधे माँ के पास गया और रोक धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। मिन्नतें का मैंने क्या बताया, प्रार्थना। मिन्नतें का क्या बताया है, प्रार्थना बताया है। लापरवाह का बेफिक्र, मतलब उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो वो क्या किया, अपनी माँ के पास जाकर रोया और रोकर उनसे पैसे लेने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। तो माँ ने बेटे को देखा कि वह रो रहा है, दुखी, दुख का मतलब क्या है, कष्ट हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, इसलिए उसने क्या कहा, क्या किया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। पहले दिन तो क्या किया, उसने अपनी माँ से पैसे लेकर अपने पिताजी को ले जाकर दे दिया और कहा ये लीजिए पिताजी 1 रुपया। तो उस समय उन्होंने क्या किया, वह समझ गए कि यह अपनी माँ से लेकर आया है। फिर भी उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन क्या करते हैं, अब अगली कक्षा में बात करेंगे। थैंक यू।